क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए, बॉर्डर स्कीम में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर हम बिना छुट्टी के अगर अपने साथियों के किसी फंक्शन में हम शामिल होना चाहते हैं, हम नहीं जा पाते। हम देवरिया के रहने वाले हैं और मेरठ में हमारी पोस्टिंग है, और हमारी बहन की अगर शादी है या भतीजे के मुंडन है, तो मैं एक दिन की छुट्टी लेकर कैसे देवरिया से मेरठ पहुंचूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं डीजे, देश के किसी भी राज्य में बॉर्डर स्कीम लागू नहीं है। चाहे आप दिल्ली को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, पंजाब को देखिए, बिहार को देखिए, किसी भी राज्य में बॉर्डर स्कीम नहीं है। हम अपने गृह जनपद में ड्यूटी कर लेते हैं, और वहाँ जो देश की सर्वोच्च पुलिस है, जो सबसे अच्छी पुलिस मानी जाती है, हमारी पंजाब पुलिस, वहाँ भी जो दिल्ली पुलिस, हम वहाँ भी अपने जनपद गृह जनपद में ड्यूटी करते हैं। आखिर ये कौन सी विडंबना है हमारी यूपी गवर्नमेंट के पास, ये कौन सा बड़ा ये स्कोप आ गया है कि हम बॉर्डर से हट करके हम पुलिसकर्मी, जो प्रदेश की 22 करोड़ जनता की हिफाजत करता है, 24 घंटा उनकी सेवा करता है, सेवा में तत्पर रहता है, वो कौन सा आतंकवादी है जिसको आप बॉर्डर से दूर करना चाह रहे हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस में जिस बॉर्डर स्कीम के विरोध में सिपाही से लेकर दरोगा तक लामबंद है, दरअसल वो बॉर्डर स्कीम देश की मोस्ट रिजेक्टेड स्कीम है। देश के किसी राज्य में बॉर्डर स्कीम लागू ही नहीं है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में शोषण का सबब बन चुकी इस स्कीम का विरोध हो चला है। अब अगर समय रहते इस विरोध को नहीं भांपा गया और हल नहीं निकाला गया, तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक होंगे। ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से संतोष कुमार।